आजकल तेरे और अडानी के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अडानी के चर्चे हर जुबान पे, सबको मालूम है और सबको खबर। आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भारत की विश्वसनीयता कम हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि हमसे ज्यादा, एक रिपोर्ट छपी है कि हमसे ज्यादा निवेशक अब बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों में जा रहे हैं, इसका पाकिस्तान जा रहे हैं। आप सोचिए कि पूरे देश का नाम खराब करने का काम किया, उसकी विश्वसनीयता को कम करने का काम किया। इसीलिए कहते हैं मोदी अडानी भाई भाई और देश देश कर खाई मलाई। जब भारत का प्रधानमंत्री एक व्यापारी, एक मतलब बिजनेसमैन के जहाज में घूमता है, उसको लगता है कि ये बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री भी घूमते हैं, इसकी कंपनी तो बहुत तरक्की कर रही है, इसमें अगर निवेश करेंगे तो शायद हमारी जो लागत है उसका जो हमको रिटर्न मिलेगा वो बहुत तेजी से मिलेगा, मिल भी रहा था। पर आप सोचिए कि विश्वासघात करने का काम किसने किया है? एक प्राइवेट, एक बिजनेसमैन अडानी तो का ब्रांड एम्बेसडर दुनिया भर में कौन घूम रहा था? हमारे देश का प्रधानमंत्री। और ये सबसे बड़ा अगर फेलियर है तो भारत की सरकार का है, उसके मुखिया प्रधानमंत्री का है। इतना बड़ा गुब्बारा फूलता रहा, इन्वेस्टर के साथ चीटिंग करती रही है कंपनी, और आपने उसके साथ नेक्सस करके वो गुब्बारा फूलने दिया, और आज 8 लाख करोड़ रुपया डूब गया, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, गरीब लोगों का पैसा डूब गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री, इस देश के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं, सत्ता शासन देश व्यवस्था चलाने के लिए एक व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अभी एक कल फिल्म देख रहा था, उसमें एक डायलॉग है, एजुकेशन पे ही बनी फिल्म है, उसमें कहते हैं कि पैसे कमाने के तो 100 तरीके हो सकते हैं, पर समाज में इज्जत उसी को मिलती है जो पढ़ा लिखा होता है। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसका मैं आपको रेपरकशंस बताता हूं, अनपढ़ आदमी जब सत्ता चलाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। आजादी मिली हमें 1947 में, और 2014 तक भारत सरकार का लोन था 55 लाख करोड़। ठीक है, आजादी के समय में देश की व्यवस्था हालत ऐसी रही होगी कि भाई हमें लोन्स की जरूरत पड़ी, और लोन लेने में कोई बुराई भी नहीं है अगर बात प्रगति और तरक्की की हो, डेवलपमेंट की हो। 2014 तक देश का जो कर्जा था वो 55 लाख करोड़ था अध्यक्ष महोदय, और 2014 से लेकर के 2023 तक अभी 85 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया गया मात्र 8-9 सालों के अंदर, और देश का जो कर्जा है वो 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। देश का कर्जा है मतलब हम सब लोग जो यहां बैठे हैं सबके ऊपर वो कर्जा। ये इस बात का दिखाता है, आमतौर पे क्या होता है कि जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, कोई भी सरकारें, देश भर में जितने भी लोकतंत्र हैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं, वो प्रेफर करते हैं एक ऐसी कंपनी को प्राइवेटाइज करने के लिए जो घाटे में हो, ताकि उसका जो बोझ है वो टैक्स पेयर पे ना पड़े, सरकार पे ना पड़े, उसके लिए सरकार का पैसा लॉस ना हो। पहला प्रधानमंत्री है दुनिया का जो ONGC देश का सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, 40,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में, उसको कोई प्राइवेट करने का सोच सकता है क्या? एक ही व्यक्ति सोच सकता है, वजीर आजम हमारे भारत के प्रधानमंत्री। और जिन एयरपोर्ट्स की बात संजीव झा जी कर रहे थे वो भी प्रॉफिट में था। अब सवाल यह है कि ये नेक्सस शुरू कहां से होता है? मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, ये शुरू होता है गुजरात से। एक चूरन अडानी, मतलब चूरन बेचने वाला व्यापारी, बहुत छोटा व्यापारी जो कुछ PVC के प्लास्टिक बनाता था और ये सब करता था, उसका नेक्सस शुरू होता है गुजरात से। और गुजरात में किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड का गलत स्टेटस बता बता करके 1 रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से 15,500 हेक्टेयर जमीन दे दिया गया उस मुद्रा पोर्ट के लिए, जहां पर बाद में 20,000 करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है, अडानी का ड्रग्स मिलता है, जिसको कोई अखबार छापने से और मीडिया छापने से मना कर देता है, जिसको सारे देश ने देखा है, 20,000 करोड़ का ड्रग्स। ये भाई साहब वहां से, आप एक चीज सोचिए, हिंडनबर्ग है क्या?
हिंडनबर्ग को समझने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अनपढ़ आदमी नहीं समझ सकता है। आज इस देश के अंदर में इतनी सारी जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, और भी पता नहीं कितनी एजेंसीज हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेबी वगैरह जो भी बता रहे थे, पर क्या किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि जब भारत की एक कंपनी दुनिया के टॉप सेकंड लिस्ट में जब लिस्ट होती है कि भाई दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंपनी हो गई है, तो हम लोग का भी सीना बहुत चौड़ा हुआ था कि एक इंडियन कंपनी इतनी तरक्की कर रही है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत रोजगार दे रही होगी, बहुत टैक्स दे रही होगी, देश का नाम रोशन हो रहा है। और 12.5 लाख करोड़ का उसका जो पूरा का पूरा वो आकलन किया गया, 12.5 लाख करोड़ की जिसकी पूरी की पूरी नेटवर्थ हो, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो, और वो कंपनी का 8 लाख करोड़ रुपया मार्केट में डूब जाता है एक रिपोर्ट पर, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे, वो 8 लाख करोड़ किसका है अध्यक्ष महोदय? वो 8 लाख करोड़ हड्डी गला करके वो मजदूर जो पसीना बहा करके मजदूरी कमाता है, वो इन कंपनियों में इसलिए निवेश करता है ताकि बेटी की शादी में वो पैसा काम आ सके, विश्वास पे करता है। वो विश्वास कहां से पैदा होती है अध्यक्ष महोदय? जब भारत का प्रधानमंत्री एक व्यापारी, एक मतलब बिजनेसमैन के जहाज में घूमता है तो उसको लगता है कि ये बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, इसकी कंपनी तो बहुत तरक्की कर रही है, इसमें अगर निवेश करेंगे तो शायद हमारी जो लागत है उसका उसका जो हमको रिटर्न मिलेगा वो बहुत तेजी से मिलेगा, मिल भी रहा था। पर आप सोचिए कि विश्वासघात करने का काम किसने किया? एक प्राइवेट, एक बिजनेसमैन अडानी का ब्रांड एम्बेसडर दुनिया भर में कौन घूम रहा था? हमारे देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके जहाज में घूम रहे थे, उस पर बड़ा बड़ा अडानी लिखा था, उनके साथ घूमता था, जिससे क्या हुआ, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, उसके शेयर्स बढ़े। शेयर मार्केट के अंदर में एक जरा सा जो इशारा होता है वो भी हजारों करोड़ का खेल कर देता है, और ये तो पूरा ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूम रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। आज कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेना देना तो इनका गुजरात से ही है कि जो किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड को जो है उन्होंने देने का काम किया 1 रुपए के हिसाब से, और इतना ही नहीं किया, ONGC प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी उसको देने का काम किया, 6 एयरपोर्ट जो कि प्रॉफिट में था उसको देने का काम किया, और जो मुंबई एयरपोर्ट के साथ हुआ GVK के साथ में ईडी का इस्तेमाल करते हैं, रेड करते हैं, 1 महीने के बाद में उसका 74% शेयर जो है सो अडानी ले लेता है। तो एक्सटॉर्शन बोलते हैं उसको, गन पॉइंट पे किसी को लूटना, और उसके बाद उसी जीवीके को कहते हैं कि नहीं कोई दबाव नहीं था, मतलब वो बोलेगा कि दबाव था, लेकिन दबाव में हम दिए हैं एयरपोर्ट। जितना शेल कंपनी के माध्यम से इन्होंने ये गुब्बारा फुलाने का काम किया, और ये सबसे बड़ा अगर फेलियर है तो भारत की सरकार पर है, उसके मुखिया प्रधानमंत्री का है। इतना बड़ा गुब्बारा फूलता रहा, इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग करती रही एक कंपनी, और आपने उसके साथ नेक्सस करके वो गुब्बारा फूलने दिया, और आज 8 लाख करोड़ रुपया डूब गया, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, गरीब लोगों का पैसा डूब गया, उन मजदूरों का पैसा डूब गया जो इस उम्मीद में इन कंपनियों में निवेश कर रहे थे कि हमको बेटी की शादी में इसके लिए जो है तो पैसा मिलेगा। ये जो विश्वासघात करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने दोस्त के साथ मिलकर के, इसके रेपरकशंस क्या है, इसका परिणाम क्या हो रहा है? आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भारत की विश्वसनीयता कम हो रही है, जिसका नतीजा यह है कि हमसे ज्यादा, एक रिपोर्ट छपी है कि हमसे ज्यादा निवेशक अब बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों में जा रहे हैं, इसका पाकिस्तान जा रहे हैं। आप सोचिए कि पूरे देश का नाम खराब करने का काम किया है, उसकी विश्वसनीयता को कम करने का काम किया है। इसीलिए कहते हैं मोदी अडानी भाई भाई, और देश बेचकर खाई मलाई।